जब भी हम समुद्र के सबसे खतरनाक जीव की बात करते हैं तब ग्रेट व्हाइट शार्क का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि ग्रेट व्हाइट शार्क काफी निडर और खतरनाक होते हैं। साथ ही इनके पास ब्लेड जैसे शार्प टीथ होते हैं जिसे विशालकाय व्हेल को भी मौत की स्वाद चखा सकते हैं। और समुद्र की सबसे खतरनाक जीव की बात हो रही है तो हम किलर व्हेल को कैसे भूल सकते हैं। और आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि एक किलर व्हेल का IQ 16 साल के बच्चे के IQ के समान होती है। लेकिन किलर व्हेल इंटेलिजेंट होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी होते हैं। लेकिन क्या होगा जब एक किलर व्हेल का मुकाबला ग्रेट व्हाइट शार्क से हो जाए, तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि समुद्र के दो सबसे बड़े बादशाह एक दूसरे के सामने आ जाए तो तब नजारा बहुत ही भयंकर होगा। ग्रेट व्हाइट शार्क की लंबाई 19 फीट तक होती है और वजन में ये 2000 किलो तक भारी होते हैं। इनके पास 3 इंच लंबे नुकीले दांत होते हैं जिसे किसी भी जीव को मौत की घाट उतार सकते हैं। और ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी शिकार का पीछा करते हैं। और ये ज्यादातर दूसरे शार्क, रेस और सील्स का शिकार करते हैं। और वही दूसरी तरफ किलर व्हेल जिसकी लंबाई 26 फीट तक होती है, और बात की जाए इनकी वजन की तो ये 10 टन तक भारी होते हैं। और ये 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी शिकार का पीछा करते हैं। ये ज्यादातर स्टिंग रेस और सील का शिकार करना पसंद करते हैं। बात की जाए इनकी बाइट फोर्स की तो ये 19,000 PSI की बाइट फोर्स उत्पन्न कर सकते हैं। यानी बाइट फोर्स, स्पीड और आकार के मामले में किलर व्हेल ग्रेट व्हाइट शार्क से आगे है। और साथ ही किलर व्हेल ग्रेट व्हाइट शार्क से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। दरअसल इनका IQ 15-16 साल बच्चे के IQ के समान होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेट व्हाइट शार्क इतनी आसानी से हार मान लेगा, क्योंकि ग्रेट व्हाइट शार्क के पास 3 इंच लंबे ब्लेड जैसे दांत होते हैं, और वही किलर व्हेल अपनी शिकार को चबाने से ज्यादा निगल लेते हैं। इसलिए इनके दांत ग्रेट व्हाइट शार्क के दांत के जैसे तेज नहीं होते। लेकिन ऑर्का, जिसे हम किलर व्हेल कहते हैं, ये ग्रेट व्हाइट शार्क से 2 गुना ज्यादा लंबे और 3 गुना ज्यादा भारी भरकम होते हैं। और साथ ही किलर व्हेल ग्रुप में रहते हैं और इनके ग्रुप को पॉड्स कहते हैं, और एक पॉड्स में कम से कम 10 से 15 किलर व्हेल्स रहते हैं। और वही ग्रेट व्हाइट शार्क अकेले रहते हैं, एक किलर व्हेल्स की तरह ग्रुप्स में नहीं रहते। लेकिन किलर व्हेल की कमजोरी भी है, वो ये है कि किलर व्हेल एक मरीन रेप्टाइल है। इन्हें सांस लेने के लिए हर 10 या 15 मिनट में पानी की सतह पे आना पड़ता है। लेकिन वही ग्रेट व्हाइट शार्क एक मछली होने के कारण इनके पास गिल्स होते हैं, इसलिए इन्हें सांस लेने के लिए पानी की सतह पे आना नहीं पड़ता। इसलिए इनके बीच गहरे समुद्र में हो और लड़ाई ज्यादा देर तक हो तब ज्यादा चांसेस है कि ग्रेट व्हाइट शार्क जीतेगा, क्योंकि किलर व्हेल गहरे समुद्र में ज्यादा देर तक सांस नहीं ले सकती। और जैसे ही किलर व्हेल सांस लेने के लिए पानी की सतह पे आने की कोशिश करता है तो तब ग्रेट व्हाइट शार्क किलर व्हेल पे हमला करेगा। लेकिन ये चीज तभी संभव है जब इनकी लड़ाई गहरे समुद्र में हो और वो लड़ाई ज्यादा देर तक हो, नहीं तो किलर व्हेल ग्रेट व्हाइट शार्क को आराम से हरा देगी, क्योंकि किलर व्हेल आकार में ग्रेट व्हाइट शार्क से काफी बड़े होते हैं। इसलिए अगर ग्रेट व्हाइट शार्क और किलर व्हेल के बीच एक घमासान युद्ध हो जाए तो किलर व्हेल जीतने की संभावना ज्यादा है। बाकी आपको क्या लगता है, अगर किलर व्हेल और ग्रेट व्हाइट शार्क के बीच एक घमासान युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा? कमेंट में हमें अपना राय जरूर शेयर कर देना।